Okay guys, this is Akhilesh Pandey with another video. In this video, I am going to tell you the exact translation of this sentence, I ate food. One of my students asked me, sir, what would be the translation of this sentence, I ate food? अगर यही सेम पार्टिकुलर लिखा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या मैं खाना खाता था होगा कि मैं खाना खाता था कि मैंने खाना खाया? ये सिर्फ मैं पार्टिकुलर एक सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर सेइंग अबाउट द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड ओनली वंस इन अ पास्ट. और ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर नोइंग द फॉर सेइंग अबाउट द इंसिडेंट व्हिच यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट ओकेजनली. हैबिचुअल पास्ट हैबिचुअल एक्शन. अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानना है तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूं, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज दो तरह से होता है. पहला तो कोई एक घटना जो पास्ट में घटी उसको बताने के लिए, और दूसरी बात के लिए ये कि पास्ट हैबिचुअल पास्ट की आदतों के लिए भी जानने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं. जैसे मैं गाना गाता था, मैं खाना खाता था, मैंने गाना गाया और मैंने खाना खाया. तो ये आई एट फूड का सेंस क्या है? मैंने गाना गाया, मैंने खाना खाया कि मैं खाना खाता था. आई सैंग सॉन्ग का क्या है? मैंने गाना गाया कि मैं खाना खाता था. एक क्योंकि इंग्लिश में तो दो है, हिंदी में तो दो है, एक हैबिचुअल है और एक ओनली वंस हैपेंड इन द पास्ट वाला कंडीशन है. और यहां पर क्या आएगा? यहां पर तो एक ही लिखा जाएगा, तो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज? तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. If there is no any point of time, अगर वहां पे कोई point of time नहीं mention है, जैसे I ate food only है, तो वो आपका habitual action होगा. मैं खाना खाता था. और अगर point of time है, that means कि मैंने कल खाना खाया, अब होगा मैंने खाना खाया. देखिएगा, जब आप कहते हैं मैं खाना खाया या मैंने काम किया, मैंने एक्शन किया, तो वो एक्शन अगर एक बार किया तो आपको मेंशन करना पड़ेगा. यू हैव टू कंपल्सन टू मेंशन द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. दैट वुड बी यस्टरडे, ऑन 10 अक्टूबर, ऑन मंडे, लास्ट नाइट, कुछ इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम को आपको मेंशन करना है कि आई एट फूड यस्टरडे, आई एट फूड ऑन 10 अक्टूबर, आई एट फूड ऑन 10 सितंबर. तो आपका हो जाएगा कि ये आप कह रहे हैं कि वो जो घटना घटा, वो जो एक्शन हुआ, वो सिर्फ एक बार हुआ, उस पार्टिकुलर डेट को हुआ. नहीं तो ये मान लिया जाएगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कि वो आपका यू आर टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, नॉट यू आर टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड ओनली वंस in past.